आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गोपी दीकरा, इस बार तेरी मामी ने जो कुछ कहा वो पूरा सच है। कल तेरी मामी जिन्हें लेकर आई थी ना, तेरे बापू ही है बेटा। दीकरा, यही सच है। मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि आप लोगों के मन में इस समय कितने सवाल उठ रहे होंगे, क्या क्या आशंकाएं आ जा रही होंगी, मगर जो सच है वो सच है। क्यों मामी जी की इस बचकानी हरकत को इतना सीरियसली ले रही? देखो गोपी बहू, ये कहना बहुत आसान है कि ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाते, पर वास्तविकता में बहुत कठिन बात है। संभालो अपने आप को। उर्मिला बेन नित नई नई कलाकारी करने में माहिर है, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे उनका क्या मकसद है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूं। ये हमारे परिवार के ही है। हमारे परिवार के सदस्य कैसे? ये गोपी के बापूजी, राशि के फूफा और मेरे नंदोई जी है। ये कैसे हो सकता है? गोपी भाभी तो अनाथ है, आई मीन उनके पेरेंट्स नहीं है। अब आपके दिमाग में ये कौन सी नई कलाकारी सूझी? आप मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? एकदम नक्की ज़ेरॉक्स को पीछे पुतानी मानी, से भी भरोसा नहीं था मेरी बात पर। मैं भी नहीं करती। तो ठीक है, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी ये हमारे घर में नहीं रहेंगे, हरगिज नहीं। नसीब तो जो हमारा, जीता जागता सबके सामने हूं,
कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं। 21 साल बाद मेरी अपनी दीकरी मारी आंखों के सामने आई और वो मुझ पे पहचान दी। नंदोई जी, आपकी बात तो कोई नहीं मानता। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। राशि, तोलू मोलू कहाँ है? वो बच्चे मीठे के साथ कमरे में। ठीक। मम्मी जी, काकी जी, मुझे लगता है कि हमें एक बार मम्मी की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सच हो। राशि, तुमने फिर से वही बात छेड़ दी जिसे करना हम नहीं चाहते, क्योंकि वो बात करके हम गोपी वो को और दुखी नहीं करना चाहते। काकी जी, मैं गोपी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैं मम्मी की साइड नहीं ले रही। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ऐसे ही इतनी रात को किसी को भी लेकर हमारे घर इस तरह नहीं आएगी। और आकर ये तो नहीं कहेगी कि ये जो भी इंसान है वो गोपी के बाबूजी। और जब मैंने रात को मम्मी से फोन पे बात की थी तब उन्होंने मुझसे कहा भी था कि रेस्टोरेंट में हमें जो मूछ वाले अंकल दिखे थे वो सच में गोपी के बाबूजी और मेरे फूफा जी। मतलब मैं भी बता रही हूँ। राशि, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अब इस विषय में ना तुम मुझसे या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी बात करोगी और ना ही अपनी माँ से इस विषय में बात करोगी, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी माँ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं हर समय अपना स्वार्थ सिद्ध करने में नहीं लगी रहती। पण डिक्री वाली छू, मारा मा पण दिल छे, पर कुछ लोग इस सच्चाई को नहीं मानते। मामी जी प्लीज बस कीजिए, अब और आप यहां क्या कहने आई हैं? आपको गोपी की हालत दिख नहीं रही है कि उसे क्या हो रहा है? गॉड, आज तो ये कांगड़ी मम्मी को चबाई डालेगी। बस बिना एक भी शब्द कहे आप फौरन यहां से निकल जाइए, तुरंत। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जो भी कहा वो सच कहा और मैं उस सच पर अड़िग हूं। मुझे आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं है। विश्वास करना होगा। क्यों करूं मैं विश्वास? कल आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, पर आज हूं सबूत साथ है आपकी। सबूत? कैसा सबूत? राशि के पापा काम के सिलसिले में बाहर गांव रहते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने उन्हें फौरन ही राजकोट बुला लिया।
और इन्हें भी मैंने वही बताया जो बताने के लिए मैं इधर आई थी। पापा, आप कैसे? ठीक है बेटा। वेवान जी, मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने तो मारी साथे हमेशा प्रॉब्लम रहे हो छे। पर मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि राशि के पापा के साथ आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको उन पर पूरा भरोसा भी है। मामा जी। गोपी दीकरा, इस बार तेरी मामी ने जो कुछ कहा वो पूरा सच है। कल तेरी मामी जिन्हें लेकर आई थी ना, तेरे बापू ही हैं बेटा। दीकरा, यही सच है। मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि आप लोगों के मन में इस समय कितने सवाल उठ रहे होंगे, क्या क्या आशंकाएं आ जा रही होंगी, मगर जो सच है वो सच है। आज 22 बरस बाद ठाकुर जी ने अचानक एक चमत्कार की तरह गोपी के बापूजी मेरे बेनोई जी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे एक झटके में 22 बरस का इतिहास वर्तमान बन गया है। तब की बात है जब मेरी गोपी 2 साल की थी। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। तबाही का वो मंजर मेरी आंखों में आज भी वैसा ही समाया हुआ है। जिस प्रलय की बात मैं अपनी दादी के मुंह से सुन सुन कर बड़ा हुआ था, समझो वो साक्षात सामने आ गई। बिना कोई चेतावनी दिए अचानक नर्मदा नदी में ऐसी बाढ़ आई कि देखते ही देखते घर द्वार मवेशी गांव सब कुछ जलमग्न हो गए। वो भयंकर दृश्य आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ था। अरे भाई, आंसू तो यूं पूरा गांव पानी में बह गया भाई। हम लोग घर। ए मनु, मनु मारी गोपी। भाई देख रे। मोटा भाई। गोपी, ए भाई। अरे अरे छोटी देख रे। गोपी, अरे गोपी। ए बहन। मैंने नहीं देखा, लेकिन सब लोग अस्पताल में अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। ए मधु, चल चल अस्पताल चलते। उर्मिला, ये तो पूरा गांव पानी में डूब गया। मधुबेन और जयंती भाई को देखने के लिए मैं मंदिर में जाता हूँ। मंदिर पर तो अभी जाकर आए हम। अरे जीतू भाई, वहाँ तो मंदिर पे डूब गया है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जाइए, किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए। भागो यहाँ थी। उर्मिला, हम लोग मधुबेन और बेनई जी का यहीं पे इंतजार करेंगे। हो सकता है वो हमको ढूंढते हुए यहाँ घर की तरफ आए। आप ठीक कह रहे, वैसे भी इतनी बारिश में इन बच्चियों को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हम यहीं बैठ जाते हैं। ए भाई, ए, आपने किसी धनी धनियाणी को देखा है? उनके पास 2 छोटी छोटी छोकरी है। अरे भाई, यहाँ सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी है। कौन आया, कौन गया, किसको खबर? ए जीतू भाई, जीतू भाई। राशि ना पप्पा, बहुत समय थे गयो
नंदन नंदोई जी ना कोई खबर ना थी, अब क्या करेंगे? उर्मिला, तू राशि और गोपी को लेके यहीं इंतजार कर, मैं उनको अस्पताल में देख के आता हूँ। ना ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, सब जगह तबाही तबाही है, बाढ़ का प्रभाव भी बढ़ रहा है। अगर हमको कुछ हो गया तो हमारो शुद्ध से। नहीं उर्मिला, तू जाने दे, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं संभल के जाऊंगा और जल्दी से वापस आ जाऊंगा। उर्मिला, तू चिंता मत कर, तू बस गोपी और राशि का ध्यान रख यहाँ पर। अरे ठाकुर जी पे भरोसा रख। क्या भरोसा रखूं ठाकुर जी पे? तुम्हारे घर पे ही क्यों हमारे मोटा भाई मामी ने कोई बता नहीं। अरे देख रे, अरे देख रे, अरे गोपी, गोपी, तुम्हारे गोपी, 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 गोपी। मधु, मधु को देखा? डॉक्टर, डॉक्टर, जयंती भाई, देखे कहाँ है फिर? गोपी दिख रहा? चंपा बहन, आपने मेरी बहन मधु और बनेवी जी जयंती भाई को देखा? माफ करना जीतू भाई, मैं उनसे आखिरी बार जिस जगह पर मिली थी ना, सुना है वो जगह पानी के बहाव में पूरी बह गई है। किसी का भी बचना मुश्किल लगता है जीतू भाई। क्यों बोला था मैं? हे ठाकुर जी, कहाँ ढूंढूं उनको मैं? या सुधी मारी गोपी मने ना मळे, या सुधी हूँ मारी मूछ ना मंडवा। उस समय स्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि हमें यही सोच के सब्र करना पड़ा कि मधु और बनेवी जी को बाढ़ का पानी निकल गया। अपने आप बीती मुझे मेरे बहनोई जी ने बताई, जिसकी वजह से मैं ये पूरी घटना आप लोगों को बता पाया कि किस तरह आस पास होते हुए भी हम एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए। तभी से गोपी हमारे साथ रह रही, मगर आज ठाकुर जी की कृपा से मुझे मेरी छोटी बहन और उसका पूरा परिवार आज मिल गया है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हूँ खोटू नथी बोलती। दीकरा, तू अनाथ नहीं है। तेरे बापू से मिलने के बाद मैं तुझसे कह रहा हूँ बेटा, वो ही तेरे बापू जी हैं। अगर अब आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो गया हो तो गोपी के बापू अंदर बुला दो, उन्हें अभी लेके आ दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।